दर्दनाक सड़क हादसे में दो की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया हाईवे जाम। खूनी हाईवे के नाम से मशहूर हो चुके नेशनल हाईवे 34 पार फिर दो लोगों का लहू बह गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि दो घंटे बाद हाईवे पर लगा जाम खुल सका। मामला है हमीरपुर जनपद के मौदा कस्बे से बाहर निकलने वाले नेशनल हाईवे 34 का, जहां पर बिना डिवाइडर के कारण आए दिन होने वाले सड़क हादसों की वजह से खूनी हाईवे कहते हुए डिवाइडर बनाने की मांग की जाती है। मंगलवार की सुबह ब्रज शिवराज शौच क्रिया के लिए गांव के बाहर जा रहा था, साथ ही नंदेरा निवासी ट्रक चालक विपिन अपने ट्रक पर टायर चेक कर रहा था, तभी तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने दोनों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया और दो घंटे तक सीओ के मान मनोबल के बाद हाईवे पर जाम खुल सका। सूचना पर पहुंची मौदा कोतवाली पुलिस के साथ ही सीओ विवेक कुमार ने मामले की जांच की और दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि टक्कर मारने वाला ट्रक मौके से फरार हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हमीरपुर, यूपी। क्या हुआ है, क्या हुआ भैया? कुछ भी आप बताइए, कैसे हुआ और कौन लोग? टायर फूट रहे थे तो बता रहा था कि गाड़ी वाला आया चला दिया। तो क्या हुआ, मौके मौत हुई? मौत हो। क्या नाम उनका? विपिन कुमार। कहाँ के रहने वाले? नंदेरा। और जो दूसरा था वो कोई यहीं के मकराए की? नहीं।